मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में, जहां वन महोत्सव कार्यक्रम को सीएम संबोधित कर रहे हैं। उस जीवन शैली में हमेशा से हम दो तरीके के जीवन शैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक विकासशील रास्ते को हम लोगों ने अपनाया है, साथ साथ में कुछ हम लोगों ने विनाशशील रास्ते को भी अपना रखा है। उसी की चिंता आज के वर्तमान समय में है। जंगलों को हम खत्म करते जा रहे हैं और कंक्रीटों का जंगल खड़ा कर रहे हैं, जहां कभी नाना प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे, उन जगहों पर आजकल हम लोगों ने लोहे, गिट्टी, छड़, पत्थर, ईटा, सीमेंट का जंगल बना दिया है। और पर्यावरण हमेशा ये दस्तक देता है कि अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो इसकी भी भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। और वो भरपाई आप कैसे करना चाहते हैं, इसका रास्ता आप तय कर लीजिए। जिस जगह से आपने पेड़ पौधे, जंगल उजाड़ दिए और उस जगह पर आपने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, तो बदले में आपने उतना जो पेड़ पौधे काटे उतने लगाए कि नहीं लगाए, ये पर्यावरण हमेशा आगाह करता है। और यही वजह होता है कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा, तो कहीं अलग अलग तरीके की बीमारियां और प्रकोपे आती हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक व्यवस्था को कितना कम से कम उसका हस्तक्षेप कर, उसका नुकसान करें। हम रांची शहर को ही देखें और आज जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले 15-20 सालों के बाद अगर इसी जगह को हम देखेंगे तो ये इस तरीके का जगह नहीं मिलेगा। यहां पर नए नए तरह की बिल्डिंगें बन चुकी होंगी या रिहायशी इलाके के रूप में ये डेवलप हो रहा होगा या अलग अलग तरीके से मिला जुला यहां आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम झारखंड के लोगों के लिए तो ये वन महोत्सव या प्राकृतिक सदियों से हमेशा एक मायने रखा है। जल, जंगल, जमीन हम लोगों का जीने का एक जरिया रहा है। सदियों से ये व्यवस्था चली आई है। आज जैसे जैसे शहरीकरण या शहर बढ़ रहा है, शहर में लोगों की तादादें बढ़ रही हैं, तो आज जो हमारे रहने की पुरानी
और पीढ़ी दर पीढ़ी शैली है वो भी उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ये अब हमें तय लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।